हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। रेलवे शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है, जहां सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की यहां पर वैकेंसी है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हम यहाँ एडवर्टीजमेंट में लेंगे। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आयु, योग्यता, वेतन क्या रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं। ये नॉर्थन रेलवे की जो है मेन साइट है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मेन साइट पर जो है ये एडवर्टीजमेंट नहीं दी, लेकिन न्यूज़पेपर में जो है इसकी कटिंग है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आपके बाद में जो प्रोसेस होगा वो सब कुछ आपको यहाँ इसी साइट पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। नॉर्थन रेलवे एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ओक ग्रोव स्कूल, जरीपानी, मसूरी। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी साइकोलॉजी। ठीक है, पीजीटी की यदि हम बात करें, सबसे बड़ी बात है पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी साइकोलॉजी में केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, बाकी पीजीटी बायोलॉजी में मेल या फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए मांगा गया है, यहाँ पर पीजी में आपने 50% मार्क्स लिए हों, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ केवल जो है मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ग्रेजुएट विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी बीपीएड मांगा गया है। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देखें, पीजीटी बायोलॉजी की हमने बात कर ली है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री जो है आपने या तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, इन सब में यदि आपने किया है, साथ में बीएड है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, जहाँ मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपकी मांगी गई है हिंदी में, और साथ में बीएड मांगा गया है। टीजीटी हिंदी में केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, पीजीटी हिंदी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टीजीटी हिंदी में केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है, 2 साल का जो है वो आपका डिप्लोमा मांगा गया है, या आपने बीएड किया है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 45% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, या फिर उत्तराखंड टेट जो है वह आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो जूनियर स्कूल की है, जहां पर पीआरटी की 2 पोस्ट हैं, केवल फीमेल यहां पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां केवल मेल और केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जहां पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पीआरटी की 2 पोस्ट की बात करें, तो आपका 12th मांगा गया है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में जो है बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% मार्क्स के साथ, बीएड एमएड हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ में यहाँ पर आपका मांगा गया है कि आपने सीटेट पेपर 1 जो है वह पास किया हो, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने उत्तराखंड टेट पास किया हो पेपर 1, तो आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। एज एलिजिबिलिटी यहाँ पर 18 से 65 साल तक सभी कैटेगरी के लिए की गई है। ठीक है, तो सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की यहाँ पर बात करूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारी चीजें दी हुई हैं लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है यहाँ शो कर दिया है। पीजीटी में 26,250 आपको मिलेंगे, 26,250 पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा गया है। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 21,250 रुपए यहाँ मिलेंगे आपको पर मंथ। ग्रेजुएट होना चाहिए आप, बीएड और सीटेट 2 या उत्तराखंड टेट। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करें, तो 21,250 रुपए यहाँ पर आपको मंथली मिलेंगे, 12th डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 1 या उत्तराखंड पेपर 1। एज जो है 18 से 65 साल यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 25 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को ईमेल कर देना है। ईमेल जो है एड्रेस न्यूज़पेपर में दिया है, यहाँ मैंने बिल्कुल सही से लिख दिया है, तो आप इसको जो है वो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, और इस पर आप लोगों को ईमेल करना है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका बायोडाटा। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, उसे आप भरें, या फिर ब्लैंक पेपर ले लें और उस पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म या बायोडाटा जो है वो लिख कर आपको यहाँ पर ईमेल करना है। ठीक है, 25 जुलाई 2023 तक जो है वो आप यहाँ ईमेल कर पाएंगे, उसके बाद जो है वो आपका ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको 27 सात 2023 तक जो है पहुंच जाना है, 10 बजे तक, थर्सडे है उस दिन। तो आप 25 जुलाई से पहले जो है वो ईमेल कर दें, जहां मैंने आप लोगों को ईमेल एड्रेस बता दिया है अच्छे से, एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर आप लोगों को सेंड करनी है। इंटरव्यू के लिए 27 जुलाई को आपको इस एड्रेस पर पहुंचना है, ओक ग्रोव स्कूल, जरीपानी, मसूरी। ठीक है, तो चलिए, और भी अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।